नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रबोध देराबार। चरक पे चर्चा में आपका स्वागत है। इस वीडियो में जिस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे वो है वात वैधिक चिकित्सा के विभिन्न आयाम। वात वैधि कितने प्रकार से हो सकती है? यहाँ हमने वात वैधि को ब्रॉडली चार टाइप्स में डिवाइड किया है। पहला टाइप है केवल वात, अर्थात केवल वात से होने वाली व्यातवादी। इसके अंदर निरुपस्तंभित वात और निरामवाद, ये दोनों भेद इसके अंदर समाविष्ट हो सकते हैं। अगला भेद है संश्लिष्टवाद, मीन्स किसी अन्य विषय के साथ यदि वात की विकृति हुई है तो उसे हम संश्लिष्टवाद कहेंगे। इस कैटेगरी में हम सामवायु अर्थात आम के साथ वात, सकफवात अर्थात कफ के साथ वात, सपित्तवात अर्थात पित्त के साथ वात, इन तरह की संप्राप्तियों का समावेश संश्लिष्टवात वाली कैटेगरी में हम कर सकते हैं। थर्ड कैटेगरी है आवृतवात या अवरुद्धवात। यहाँ आवरण जन्य संप्राप्ति और अवरोध जन्य संप्राप्ति, इनके बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो ये थर्ड कैटेगरी से भी वात व्याधियाँ हो सकती है। फोर्थ कैटेगरी है अन्य व्याधि जन्य वात, अर्थात दूसरे व्याधि से जब वात व्याधि उत्पन्न होगी उसे हम अन्य व्याधि जन्य वात कहेंगे। इसे ही हम परतंत्र वात भी कह सकते हैं, मीन्स यहाँ जो संप्राप्ति वात व्याधि की हो रही है वो परतंत्र हो रही है। मैंने पहले ही कहा है कि ये चार टाइप्स हम ब्रॉडली कर रहे हैं। इसका ये अर्थ निकलता है कि हम इनकी कई इनफाइनाइट संप्राप्तियाँ बना सकते हैं, क्योंकि वैसे ही आयुर्वेद में कहा गया है कि पुरुषम पुरुषम वीक्ष्य चिकित्सा करनी चाहिए, मीन्स सभी इंडिविजुअल की अलग अलग चिकित्सा करनी चाहिए। जिसका एक और अर्थ हम निकाल सकते हैं कि सभी इंडिविजुअल में एक सिमिलर डिसीज की डिफरेंट डिफरेंट तरीके से संप्राप्ति हो सकती है, तो आपकी ट्रीटमेंट भी डिफरेंट डिफरेंट होनी चाहिए। आइए अब हम देखते हैं कि वात व्याधि की चिकित्सा कितने प्रकार से की जा सकती है। तो सर्वप्रथम जो प्रकार है उसका नाम है अंशांश चिकित्सा। इसी को ही जो मैंने नॉमेनक्लेचर दिया है वो है इक्वलाइजर थेरी। इसे मैंने इक्वलाइजर इसलिए नाम दिया है कि जिस तरह से इक्वलाइजर में सभी नोड्स अगर इक्विलिब्रियम में है तो साउंड जो है वो ठीक तरह से आता है, उसी तरह हमारे बॉडी में भी जो वात है उसका भी एक इक्वलाइजर है। वात के चरक संहिता में छह गुण हमें देखने के लिए मिलते हैं, रुक्ष, लघु, शीत, खर, सूक्ष्म और चल। इन छह गुणों का इक्विलिब्रियम या जिस मात्रा में रुक्ष होना चाहिए उस मात्रा में ही रुक्ष है, या जिस मात्रा में वात लघु होना चाहिए उस मात्रा में ही है। जब तक स्टेबिलिटी ना हो तब तक हमारे बॉडी में स्वास्थ्य की अवस्था नहीं रह सकती। अगर इसमें से एक भी गुण बढ़ता है या घटता है तो हमें व्याधि उत्पन्न हमारे शरीर में हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, यदि वात का रुक्ष गुण बढ़ा है, अब इसमें हेतु क्या हो सकता है कि सपोज अगर हम कषाय रस का अधिक सेवन करते हैं तो रुक्ष गुण बढ़ेगा। तो इसकी चिकित्सा सिंपल है, इसकी चिकित्सा में हम रुक्ष के अपोजिट गुण स्निग्ध को यूज़ करेंगे। तो स्निग्ध द्रव्यों का उपयोग हम यहाँ पे करेंगे, तो ऐसे वात वृद्धि में हम स्निग्ध गुण से वात की चिकित्सा करेंगे। यदि वात शीत गुण से बड़ा है तो वहाँ पे हम उष्ण द्रव्यों से उसकी चिकित्सा करेंगे। तो वात कभी एक गुण से बढ़ सकता है, कभी दो गुण से बढ़ सकता है, कभी ज़्यादा गुण से बढ़ सकता है। तो ऐसे कंडीशंस में हमें अपोजिट गुणों से ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर रुक्ष और शीत दोनों एक साथ बढ़े हैं तो हमें ऐसा द्रव्य लेना पड़ेगा जो स्निग्ध और उष्ण दोनों हो। अब हम इसी से रिलेटेड एक केस सिनारियो डिस्कस करेंगे जो कि अम्लपित्त से रिलेटेड है। मीन्स एग्जाम्पल हम अम्लपित्त का लेते हैं। सपोज अगर हम पित्त के गुण देखें तो पित्त है पित्तम सस्नेह तीक्ष्ण उष्णम लघु विश्रम सरम द्रवम। तो पित्त द्रव भी है और उष्ण भी है। तो यदि पित्त उष्ण गुण से बड़ा है तो ऐसे अम्लपित्त में हमें दाह ये लक्षण देखने के लिए मिल सकता है, और यदि पित्त द्रव गुण से बड़ा है तो ऐसे अम्लपित्त में हमें नौजिया या वोमिटिंग, छर्दी, ये लक्षण हमें देखने के लिए प्राप्त हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन में ये दोनों केसेस में अम्लपित्त की चिकित्सा बिल्कुल अलग रहेगी। यदि उष्ण गुण से पित्त बड़ा है तो हमें शीत द्रव्य यूज करने होंगे, और यदि द्रव गुण से बड़ा है तो द्रवता को कम करने के लिए हमें
रुक्ष द्रव्यों का प्रयोग वहाँ पे करना पड़ेगा। तो इस तरह से अंशांश कल्पना करके हम वात व्याधि की भी चिकित्सा कर सकते हैं। अगली जो चिकित्सा पद्धति है उसको मैंने नाम दिया है सर्जिकल स्ट्राइक थ्योरी। सर्जिकल स्ट्राइक का अर्थ है कि दुश्मन के घर में जाके उसे मारना। तो यहाँ भी हम वही कर रहे हैं कि वात व्याधि की संप्राप्ति का इस तरह से विघटन कर रहे हैं कि वो वात व्याधि फिर से आएगी ही नहीं। इस पद्धति में हम व्याधि की तीन तरह से चिकित्सा कर सकते हैं, हेतु प्रत्यनिक, लक्षण प्रत्यनिक और व्याधि प्रत्यनिक। हेतु प्रत्यनिक मीन्स हेतु के अपोजिट ट्रीटमेंट, जिस तरह के हेतु होंगे। अगर उष्ण हेतु है तो शीत चिकित्सा, रुक्ष हेतु है तो स्निग्ध चिकित्सा। उसी तरह लक्षण प्रत्यनिक, लक्षण अनुरूप आप चिकित्सा पेशेंट की करेंगे। और थर्ड टाइप है व्याधि प्रत्यनिक, मीन्स व्याधि के अपोजिट, जैसे पक्षाघाते विरेचनम हम कहते हैं, तो ये व्याधि प्रत्यनिक चिकित्सा होगी। हेतु प्रत्यनिक का एक और एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा कि जैसे रात्रि जागरण से यदि वात वृद्धि हुई है तो उसकी चिकित्सा दीवा स्वप्न से की जाएगी। शीत हेतु से वात वृद्धि होगी तो आपको उष्ण हेतु से या उष्ण चिकित्सा से उस वात का शमन करना है। तो जैसा हेतु वैसी उसकी चिकित्सा होगी। ऐसे ही हम तीन और मेथड से वात व्याधि की चिकित्सा कर सकते हैं। आभ्यंतर चिकित्सा, जिसे हम शमन चिकित्सा कह सकते हैं, बाह्य या स्थानिक चिकित्सा और शोधन चिकित्सा। तो एक तरह से हम यहाँ पे संप्राप्ति बनाकर उसका विघटन कर रहे हैं। इसमें हम एक केस सिनेरियो डिस्कस कर सकते हैं जो है कोष्ठशूल का। कोष्ठशूल मीन्स कोष्ठ प्रदेश में शूल उत्पन्न जब होता है उसे कोष्ठशूल कहते हैं। यदि ये संप्राप्ति केवल वात से हुई है तो यहाँ पे हम अभ्यंतर, बाह्य और शोधन, ये तीनों चिकित्साएँ कर सकते हैं। अभ्यंतर चिकित्सा हम कैसे करेंगे, हम वहाँ पे स्नेहपान पेशेंट को कराएंगे। यदि रुक्ष कारणों से वात वृद्धि है तो हम अभ्यंतर स्नेहपान कराएंगे जिससे कोष्ठशूल उसका शांत हो जाएगा। और स्थानिक चिकित्सा में हम अभ्यंग वहाँ करा सकते हैं और शोधन में हम अनुवासन बस्ती का प्रयोग कर सकते हैं। तो तीनों तरह से आप उस कोष्ठगत वात की चिकित्सा या कोष्ठगत रुक्ष वात की चिकित्सा वहाँ पे हम कर सकते हैं। वात व्याधि की ट्रीटमेंट में जो तीसरा प्रकार हो सकता है वो है गति के अनुसार चिकित्सा। इसी को मैंने जो नाम दिया है वो है पाइपलाइन थ्योरी। अब यहाँ पाइपलाइन का शब्द इसलिए उपयोग किया गया है कि जैसे अगर हम देखें कि हमारा जो महास्रोतस है, जो मुख से लेके गुदा तक के जो स्रोतस है उसे हम महास्रोतस कहते हैं, वो एक पाइपलाइन की तरह अगर हम इसे इमेजिन करते हैं तो इसी पाइपलाइन के भीतर हमारे पांचों वायु विचरण करते हैं। भली वो सारे शरीर में करते हैं बट यदि हम इनके कार्य को ध्यान से देखें तो हमें पता लगेगा कि ये इनका कार्य मैक्सिमम जो है वो महास्रोतस में हमें देखने के लिए प्राप्त हो सकता है। तो इसमें इनकी एक पर्टिकुलर गति है, जैसे प्राणवायु की अधगति है, उदान वायु की ऊर्ध्व गति है, अपान वायु की अधगति है, समान और व्यान थोड़े तीर्य गति होते हैं। तो इनकी प्राकृत गतियाँ अगर मेंटेन है तो आप स्वस्थ हैं, और ये गतियाँ अगर विलोमित हो जाती है, विकृत हो जाती है, तो हम उसे डिसीज्ड कंडीशन कहेंगे। अब इन गतियों का उपयोग कहाँ पे होगा, जब भी हम किसी प्रकार के शोधन का सिलेक्शन करते हैं तो इन गतियों को ध्यान में रखकर हम शोधन का सिलेक्शन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपान वायु प्रतिलोमित हुआ है, मीन्स अगर वो ऊर्ध्व गति उसको प्राप्त हुई है, तो उसे ठीक करने के लिए, उसे अनुलोमित करने के लिए हमें विरेचन या बस्ती का सिलेक्शन करना होगा। तो इस तरह से गति को ध्यान में रखकर हम शोधन का सिलेक्शन करेंगे। इसमें हमें एक और चीज़ का ध्यान रखना होगा कि शोधन हमें स्थान के अनुसार सिलेक्ट करना है। यदि ऊर्ध्व प्रदेश में अगर शोधन करना है, ऊर्ध्व प्रदेश में दोष है तो हम वमन का सिलेक्शन करेंगे, अधः प्रदेश में यदि दोष है तो हम बस्ती या विरेचन का सिलेक्शन करेंगे। अब यहाँ दो और प्रकार से दोषों की गतियाँ हो सकती है, एक है आशयापकर्ष और एक है कोष्ठ शाखा गति। आशयापकर्ष में एक एग्जाम्पल आता है कि वायु, विकृत वायु प्राकृत पित्त को उसके स्थान से उठाकर अन्य पित्त के स्थान पर ले जाता है, जिस कारण से पित्त की वृद्धि होती है और पित्त के लक्षण दिखाई देते हैं। तो ऐसे कंडीशन में हमें वात की चिकित्सा करनी चाहिए क्योंकि मूल दोष वहाँ पे
वायु है, तो यह आशयापकर्ष गति, और दूसरी गति है कोष्ठ से शाखा में दोषों की गति और शाखा से कोष्ठ में दोषों की गति। ये थोड़ा अलग विषय है, इसके ऊपर हम कभी और चर्चा कर सकते हैं, बट इन गतियों को ध्यान में रखते हुए भी हमें वातवेदि की चिकित्सा करनी होगी। यदि दोष शाखा में है तो उसे हमें प्रयत्न से कोष्ठ में लाना होगा। हम स्नेहंस वेदन से दोषों को कोष्ठ में लाएंगे और कोष्ठ में दोषों के आने के पश्चात हम शोधन से उन दोषों को निकाल लेंगे। यहाँ जो हम केस सिनारियो डिस्कस कर सकते हैं वो है उदावर्त का। उदावर्त एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसे एक पर्टिकुलर डिसीज से कई डिसीजेस हमें देखने के लिए मिल सकती है। चरक संहिता में तो यहाँ तक कहा गया है कि उदावर्त से 107 मर्मों को भी हानि पहुँचती है। तो ऐसे उदावर्त को जहाँ अपान वायु प्रतिलोमित हुआ है उसे अनुलोमित करने के लिए हम विरेचन या बस्ती से उसकी चिकित्सा कर सकते हैं। तो यहाँ जो हम चिकित्सा का निर्धारण कर रहे हैं वो दोषों के गति के अनुसार कर रहे हैं। अब ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट अप्रोच है जो हमें सभी डिसीजेस में देखना चाहिए। ये इस अप्रोच का नाम है स्वतंत्र परतंत्र परक चिकित्सा। इसको जो मैंने नाम दिया है वो है डिपेंडेंस थ्योरी। यदि व्याधि परतंत्र है तो हम परतंत्र व्याधि की चिकित्सा नहीं करते, हमें स्वतंत्र व्याधि की चिकित्सा करनी होगी। यानी जिस व्याधि ने एक पर्टिकुलर व्याधि को उत्पन्न किया है, सपोज व्याधि ए ने व्याधि बी को उत्पन्न किया है, तो हमें व्याधि ए की ट्रीटमेंट करनी होगी। व्याधि बी की ट्रीटमेंट अपने आप हो सकती है। अगर हम एक केस सिनारियो देखें जैसे कि ज्वर जन्य शिरशूल, यहाँ पे ज्वर से शिरशूल उत्पन्न हुआ है, तो यहाँ परतंत्र व्याधि है शिरशूल और स्वतंत्र व्याधि है ज्वर। तो यहाँ शिरशूल की चिकित्सा हमें नहीं करनी है, यहाँ हमें जो चिकित्सा करनी है वो है ज्वर की। यदि ज्वर ठीक हो जाता है तो शिरशूल अपने आप ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट जो अप्रोच है उसे हम अंडर कवर थ्योरी या आवृतवाद चिकित्सा कह सकते हैं। आवृतवाद को समझना जितना डिफ़िकल्ट है उतना ही उसकी चिकित्सा करना डिफ़िकल्ट है। आवृतवाद की चिकित्सा में चरक संहिता में लिखा गया है कि एषाम स्वकर्मणाम हानिर वृद्धिर्वा आवरणे मता। एषाम का अर्थ है वात के अलग अलग भेद, इन्हें प्राण उदान समान व्यान अपान, उनकी हानि को देखना है, उनकी वृद्धि के लक्षण को देखना है। स्थानानि वेक्ष्य मीन उनके स्थानों को देखकर वातानाम वृद्धिम हानिम च कर्मणा, उनके कर्मों की हानि और वृद्धि ये दोनों को देखना है। और उसके बाद क्या करना है, कुर्याद अभ्यंग स्नेह पान बस्ती आदि सर्वश। अभ्यंग करना है, स्नेह करना है, स्नेह पान करना है, बस्ती करना है, ये सारी चीज़ें करना है। क्रमम उष्णम अनुष्णम वा व्यत्यास वद आचरेत। व्यत्यास चिकित्सा यहाँ पे बताई गई है कि कभी उष्ण कर्म करें कभी शीत कर्म करें। यदि शीत गुण से वात की वृद्धि हमें दिखाई दे रही है वहाँ पे हम उष्ण गुण की चिकित्सा और उष्ण में शीत की, तो इस तरह से व्यत्यास क्रम को वहाँ पे हमने यूज़ करना है। मीन्स जिस वात के लक्षण दिखाई दे रहे हैं उस वात की चिकित्सा करो और उसके बाद जो भी वात के लक्षण आपको दिखाई देंगे उसकी आपने चिकित्सा करते जाना है। तो इस तरह से आवृतवाद की चिकित्सा का सिद्धांत बताया गया है। यहाँ जो हम केस सिनारियो डिस्कस करेंगे वह है आदमान जन्य छर्दी। यदि आदमान से छर्दी उत्पन्न हो रही है तो इसमें क्या हो रहा है, आदमान किस क्षेत्र की डिसीज है, वह है अपान क्षेत्र की। तो उसका स्थानानिवेक्ष जो लिखा है कि उसका स्थान क्या है, अपान वायु का स्थान है, उससे क्या हो रही है, छर्दी हो रही है। अर्थात उस अपान वायु के कारण समान वायु के कार्यों में बाधा आ रही है या फिर अपान वायु ने समान वायु को आवृत किया है, तो अपान वायु का परिणाम समान पे हो रहा है और छर्दी उत्पन्न हो रही है। मीन्स वृद्धि ये लक्षण हमें दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से डिसीजेस में आवरण को हमें ढूंढना है और वृद्धि और हानि के लक्षणों के आधार पर उसकी व्यत्यास क्रम से चिकित्सा करते जाना है। आवृतत्व यह दर्शाता है कि वायु का प्रकोप किस तरह से हुआ है, वायु किस तरह प्रकोपित हुआ है यह हम जान सकते हैं।
चरक संहिता में कहा गया है कि न ही सर्व विकारानाम नामतो अस्ति ध्रुव स्थिति, अर्थात सभी व्याधियों को नाम देने की आवश्यकता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम नीचे देख रहे हैं कि संधिगतवाद की किस तरह से अलग अलग प्रकार से संप्राप्ति हो सकती है, या तो वह शुद्धवाद प्रकोप हो सकता है, या श्लेष्मावृत वायु हो सकता है, या पित्तावृत वायु हो सकता है, या आमावृत वायु हो सकता है, साम वायु हो सकता है, या वायु का अंशांश प्रकोप हो सकता है। मीन्स वायु वृक्ष गुण से, शीत गुण से, खर गुण से, लघु गुण से, किसी भी गुण से वायु का प्रकोप हो सकता है और उससे ये संधिगतवाद नामक व्याधि हो सकती है। तो अकॉर्डिंग टू संप्राप्ति उनकी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। तो यदि हम कंक्लूड करना चाहें तो यह कह सकते हैं कि हमें वात व्याधि की ट्रीटमेंट को जनरलाइज नहीं करना है। हम सभी के लिए एक कॉमन ट्रीटमेंट नहीं बता सकते, हर एक इंडिविजुअल की उसके संप्राप्ति के अकॉर्डिंग अलग अलग ट्रीटमेंट होगी। तो यहाँ हमने कुछ प्रकार के लाइन ऑफ ट्रीटमेंट वात व्याधि के लिए डिस्कस किए। इसी तरह से आप संप्राप्ति अनुरूप विविध प्रकार से वात व्याधि की ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको रेगुलरली वीडियोस मिल सकें।